तो फ्रेंड कैसे हो हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 Pro के लिए MIUI 13 के अपडेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, साथ में गाइज Redmi Note 10 के लिए भी आई है। तो प्लीज़ वीडियो में वैल्यू लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मोर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। चलिए गाइज आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गाइज Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए एंड Redmi Note 10 के लिए, इन दोनों तीनों डिवाइसेस के लिए यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट गाइज रोल आउट कर दिया गया। ये जो अपडेट है गाइज यहाँ पर पब्लिक बीटा रोल आउट किया गया, जो कि गाइज ग्लोबल के अंदर किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वर्जन है Redmi Note 10 के लिए उसका MIUI 13.0.2.0 का जो वर्जन यहाँ पर गाइज रखा गया, और यही वर्जन यहाँ पर Redmi Note 10 के लिए भी रोल आउट किया गया। अभी जो गाइज ये अपडेट है ग्लोबल के अंदर रोल आउट किया गया, लेकिन गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये अपडेट जैसे ही ग्लोबल में रोल आउट हुआ उसके रिगार्डिंग एक अपडेट इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इंडिया के अंदर ये अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, यानी कि जो इंडियन यूजर हैं उनको कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तभी ये ग्लोबल के अंदर रोल आउट हुआ है। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जितने अपडेट गाइस यहाँ पर Redmi Note 10 Pro के लिए मिले ना, उतने अपडेट शायद ही किसी डिवाइस को इतने फास्ट अपडेट मिले हो। इसको बहुत ही जल्दी अपडेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अभी ग्लोबल में इंडिया के अंदर भी होने वाला है। इंडिया वाले पता नहीं अपनी जो फ्लेक्सिप डिवाइसेस की सीरीज है उसको भी अभी तक रोलिंग आउट स्टार्ट नहीं किए, लेकिन गाइज कम्युनिटी पे एक पोस्ट आई थी यहाँ पर, उस पर एक पोस्ट आई थी गाइज जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये इंडिया एंड ग्लोबल दोनों टेस्टिंग स्टार्ट हो चुके। तो इस अपडेट की रिगार्डिंग गाइज इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर ये जो अपडेट है आपको बहुत जल्द, यानी कि जो इसका नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो MIUI 13 विद एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है, जो कि आपको फरवरी या मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है देखने को, या तो फरवरी के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर गाइज मार्च के स्टार्टिंग में आपको MIUI 13 का अपडेट इंडिया के अंदर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को पब्लिक की ये जो गाइस देखने को मिल जाएगा। ये जो अपडेट है मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसके रिगार्डिंग से बताऊं गाइस। तो यहां पर ये जो अपडेट है फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को चेंज किया गया, फीचर्स आप लोगों ने देखे होंगे, और नोट 10 की भी यही कंडीशन है। नोट 10 को भी यहाँ पर गाइस ये जो अपडेट है आपको फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। और एक डिवाइस है जिसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो है गाइस रेडमी का रेडमी नोट 10S और उसके अलावा रेडमी 10 प्राइम, इनको भी देखने को मिलेगा लेकिन इनको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा। लेकिन जो नोट 10 की जो सीरीज है गाइस जिसके अंदर नोट 10 एंड प्रो मैक्स आते हैं और प्रो आते हैं, इन डिवाइसेस को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, यानी कि फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। यदि गाइज ये आप बीटा रोम इसके अंदर फ्लैश करना चाहते हैं तो मैं अभी नहीं कर सकता, आज करने की ट्राई करता, लेकिन गाइज यहाँ पर आज संडे है तो मेरे पास वाईफाई की कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से रोम जो है 3 GB की ये प्लस 2-3 ROM और डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा साइज होता है वो तकरीबन 10 GB के आसपास चला जाता है, वाईफाई नहीं है इस वजह से मैं नहीं कर सकता। आप लोग करना चाहते हैं तो गाइज इस रोम को आप कर सकते हैं, इसके लिए बूट लोडर अनलॉक की जरूरत पड़ेगी, बिना बूट लोडर अनलॉक के भी आप कर सकते हैं, जो कि एक तरीका आता है जिसके जरिए से आप रोम का जो है नाम चेंज करके जो फ्लैश कर सकते हैं। ये थी गाइज MIUI 13 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसकी इन्फॉर्मेशन उसका वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।